अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अमीशी, डिफेंस डायरेक्टर के साथ। पाकफजाइए के पायलटों ने दुनिया के चंद ऐसे त्यारों को भी इस्तेमाल किया है जो कभी भी पाकफजाइए का हिस्सा नहीं रहे, और बस ऐसे त्यारे पाकफजाइए की पायलटों ने उड़ाए हैं जो बाद में पाकफजाइए का हिस्सा बने। पाकफजाइए के पायलटों ने शाम, इराक और मिस्र में MiG-21 त्यारों को उड़ाया, जबकि UAE में Mirage-5 त्यारों को इस्तेमाल किया गया। ये दोनों त्यारे उस वक्त पाकिस्तान फजाइया का हिस्सा नहीं थे और बाद में इनको खरीदा गया। पाक फजाइया अभी तक इन दोनों त्यारों को इस्तेमाल कर रही है और इन दोनों त्यारों ने को जदीद बनाने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा है। अरब इसराइल तनाजे के बाद शाम, इराक और मिस्र रूसी ब्लॉक में थे। इन ममालक के पास MiG-21 त्यारों की वसीख खेप मौजूद थी, जिन्हें ये ममालक उस कदर कामयाबी से इस्तेमाल ना कर सके जिस कदर के पाकिस्तानी पायलटों ने इसको इस्तेमाल किया। इन त्यारों को इसराइली मिराज त्यारों के खिलाफ इस्तेमाल किया, और ना सिर्फ इस्तेमाल किया बल्कि मिराज त्यारे इससे गिराए भी। लेकिन मजेदार बात यह है कि जब अमेरिका ने पाकिस्तान पर 60 की दहाई में पाबंदियां लगाई, तो फिर उन पाबंदियों की वजह से पाक फजाइया ने चीन से F-6 यानी MiG-19 और मिराज-3 त्यारे जो है वो खरीदे। मिराज-3 त्यारे आज भी पाक फजाइया का हिस्सा है। पाक फजाइया ने इसकी वसीह खेप जो है वो खरीदी और इस्तेमाल हो रही है। इन त्यारों को बहुत जो है वो अपग्रेड किया गया, और इनमें अपग्रेडेशन के कई मराहल जो है वो पाकिस्तान ने कामयाबी से मुल्की तौर पर ही किए हैं। अब ये ख्याल किया जाता है कि पाक फजाइया ने पुराने फ्रांसीसी मराह त्यारों में दुनिया के जदीद तरीन अदलाल लगाकर इसी सलाहियत में बेपनाह इजाफा कर लिया है। इसलिए पाक फजाइया ने दुनिया के हर मुल्क से जो है ये त्यारे खरीदे हैं। उसकी बड़ी वजह ये थी कि इन त्यारों की जो सीरीज प्रोडक्शन थी वो फ्रांस में बंद हो चुकी थी, और पाकिस्तान को इनके स्पेयर पार्ट्स की जो है वो बहुत ज़्यादा फिक्र रहती थी। पाक फजाइया ने इसका हाल ये निकाला कि दुनिया के जिन ममालक ने भी मिराज त्यारों को इस्तेमाल किया है, उनसे रजू किया और उनके स्टोर्स में पड़े हुए तमाम मिराज त्यारों के पुर्जा जहाज जो है उनको खरीद कर अपने मुल्क में वसी स्टॉक कर लिया और उसको रिजर्व में रख लिया। क्योंकि ये त्यारे पाकिस्तान में बड़े कामयाब हैं, इसलिए इनको मजीद कुछ अरसा इस्तेमाल करने का जो है वो प्रोग्राम बनाया गया। इसी के साथ ही इन मिराज त्यारों को जदीद आला लगाकर बहुत ही आला पैमाने पर जो है वो जदीद बना लिया गया है। पाक फजाइया ने मिराज-3 और मिराज-5 त्यारों को मुख्तलिफ निजामात लगाकर जदीद बनाया है। पाक फजाइया इस वक्त 87 मिराज-3 और 92 मिराज-5 त्यारे जो है वो इस्तेमाल कर रही है। कुछ रिटायर कर दिए गए हैं। ये त्यारे फ्रांसीसी फजाइया में कई जो साल हैं उन पहले ही फारग हो चुके थे। इसके अलावा दुनिया में कोई भी मुल्क इस वक्त जो है मिराज-3 और मिराज-5 इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान का एक्सपीरियंस इस मामले में बड़ा ही कामयाब रहा है। दूसरी तरफ इसराइली फजाइया ने भी इसको बड़ी कामयाबी से इस्तेमाल किया और मुल्क में इसकी कॉपी भी बनाई। बहरहाल पाकिस्तान ने जिस तरह इसको इस्तेमाल किया वो एक अपना ही खासा है। 54 साल गुजरने के बावजूद ये त्यारा आज भी बहुत ही कारामद और जदीद है। अभी इनको मजीद 10 साल इस्तेमाल किया जाना है, और कहा यह जा रहा है और मौसूला इतलाज ये है कि पाक फजाइया ने इनमें जदीद तरीन निजाम लगाए हैं जो कि मिराज-2009 और राफेल त्यारों का हिस्सा है, जिस वजह से इन त्यारों की जो सलाहियत है वो बेपनाह बढ़ चुकी है। पाक फजाइया ने MiG-21 त्यारों को अरब इसराइल जंग के दौरान में अरबों की तरफ से इस्तेमाल किया था। इसराइल ने इन त्यारों को आनन फानन जो है वो तबाह कर दिया था। अरबों की फजाइया बर्बाद होकर रह गई। एमरजेंसी में पाकिस्तानी पायलट जो है वो अरबों की मदद करने गए और उनको जो है मिराज त्यारों के खिलाफ एक MiG-21 से जंग लड़ना थी। MiG-21 पाकिस्तानी फजाइया का हिस्सा नहीं थे। पाकिस्तानी पायलटों ने फिर भी उनको बड़ी कामयाबी से उड़ाया और इन त्यारों को मिराज त्यारों के खिलाफ बड़ी ही कारगरी से इस्तेमाल किया गया। ना सिर्फ कामयाब हुए बल्कि कई मिराज त्यारे गिराए भी। पाकिस्तान ने मिराज त्यारों को भी बड़े अच्छी तरह इस्तेमाल किया और MiG-21 त्यारों को भी। MiG-21 त्यारों को नई जिंदगी उसी तरह दी गई जिस तरह के मिराज त्यारों को दी गई। पाक फजाइया इस एक्सपीरियंस को इस वजह से जो है वो कैश करवा सकी कि चीन ने पाकिस्तानी पायलटों को कहा कि वो इनके J-7 त्यारों को जांचे। पाकिस्तानी पायलट क्योंकि जदीद त्यारों को आलमी सतह पर उड़ाते आए थे, इसलिए इस
जो मामलात हैं उसमें उनको वसी एक्सपीरियंस हासिल था। पाकिस्तानी पायलट सऊदी अरेबिया में बरतानवी लाइटनिंग त्यारा जो पाकिस्तान के इस्तेमाल कम में कभी भी नहीं रहा, टॉर्नेडो त्यारे वो भी पाकिस्तान के इस्तेमाल में नहीं रहे, F-15 स्ट्राइक ईगल त्यारे वो भी पाकिस्तानी पायलटों ने उड़ाए लेकिन पाकिस्तानी फजाइया का हिस्सा कभी भी नहीं रहे। इसी तरह पाकिस्तानी पायलटों ने UAE में मिराज 2000 उड़ाए और अभी भी उड़ा रहे हैं जो कि पाकिस्तान फजाइया का कभी भी हिस्सा नहीं रहे। पाक फजाइया के पास उस वक्त F-16 त्यारे आए और पाकिस्तान ने F-16 त्यारों और इन त्यारों की जो एक्सपीरियंस था उसको J-7 में इस्तेमाल किया और J-7 में जदीद तरीन यूरोपीय आला लगाए गए जिस वजह से ऐसा बेहतरीन पैकेज तैयार हुआ कि उसने पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़े ही शानदार खिदमत सर अंजाम दी और J-7 F-7 के नाम से पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने लगा और ये बड़ा ही कामयाब तैयारा कहलाने लगा। पाक फजाइया ने जब इन तैयारों को यूरोपीय रडार और एवियोनिक्स से जो है इस्तेमाल किया तो इसकी सलाहियत तो और उसकी उम्र में भी इजाफा हो गया और ये अभी भी इतने साल गुजरने के बावजूद जो है वो इस्तेमाल के काबिल है और इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान ने ऐसे 200 तैयारे खरीदे थे जिनमें से अभी भी 138 तैयारे जो है वो पाक फजाइया का हिस्सा है। हैरतअंगेज तौर पर मिराज और मिग त्यारे जो हमेशा ही आमने सामने रहे हैं पाक फजाइया में शाना बशाना कई दहाइयों से बेहतरीन खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने इकट्ठा ही कामयाबी ही देखी, इकट्ठे ही जिद्दत के पुराम देखे और अब आहिस्ता आहिस्ता उनको फेज आउट करने का मरहला जो है वो भी आ रहा है जो कि अगले 10 सालों में पाक फजाइया के लिए मुकम्मल हो जाएगा।